सो है गाइज, वेलकम बैक टू मनी वीडियो। तो गाइज, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था iOS 17.1.2 को लेकर, और मैंने बताया था कि एक दिन में यूज़ करने के बाद इस पर एक रिव्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसी अपडेट के रिगार्डिंग। तो क्या इसमें सच में जो बग्स हमें देख रहे थे लाइक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लेके, वो सच में फिक्स हुए या फिर नहीं हुए, सारी चीज़ें इस वीडियो बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट को, तो देख सकते हो मैंने अपडेट इसे परसों के दिन किया हुआ था, ठीक है। तो कल का दिन मैंने पूरा यूज़ किया एंड फाइनली मुझे यहाँ पे एक चीज़ शॉकिंग लगा, लाइक अभी भी मेरे कॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं, यानी मैं कॉल्स पर रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाता है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे जो वाईफाई कनेक्टिविटी है अभी भी वो सेम मुझे दिखाई दे रही है, यानी वाईफाई कनेक्ट होने के बाद भी थोड़ा देर चलने के बाद एक घंटे के बाद वापस से डिसकनेक्ट हो जाता है। ब्लूटूथ साथ भी सेम इशू यही है कि ब्लूटूथ जो मैं ईयरफोन यूज़ करता हूँ ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है, मुझे वापस से इसे ऑन ऑफ करना पड़ता है फिर जाके वो कनेक्ट होता है। तो अपडेट के बाद यहाँ पे मेरे फोन में कितना साइज इसने कवर किया कितना नहीं किया है मैं बता देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपडेट के पहले, तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अपडेट के पहले जो मेरे अवेलेबल स्पेस था वो था 38.16 GB का। अब मैं आपको अपडेट के बाद का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और अपडेट के बाद आप देख सकते हो कि जो स्टोरेज है वो 39.7 GB से बढ़ चुका है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट एंड फाइनली यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर, एक्जैक्टली सेम इसी तरीके से काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे आते हैं सारे मेरे वीडियोज पे कि क्या ग्रीन इशू इसमें आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो कोई भी ग्रीन इशू नहीं आया। गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ में एक जरूरी बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपडेट करने जा रहे हो सो मेक श्योर कीजिए कि आप वाईफाई भी अपडेट कीजिए, क्योंकि अगर आप हॉटस्पॉट का यूज़ करते हो अपने फोन का या फिर मोबाइल डेटा का तो थोड़ा बहुत आपको ग्लिचेस देखने को मिल सकते हैं, बट अगर आप एक हाई स्पीड वाईफाई पे कनेक्ट करते हो इसे अपडेट, सो डोंट वरी इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं iOS 17.2 को, तो गाइस आज से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आई थिंक वो अपडेट आ जाएगा, सो उसमें आपको नए फीचर्स भी मिल जाएंगे और जो बग आपको दिख रहे हैं जो नेटवर्क इशू रिलेटेड वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो मेक श्योर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।